हेलो एवरीवन, सो सबसे पहले तो इस वीडियो के अंदर आई विल गो थ्रू सम ऑफ द एप्लीकेशंस दैट आई यूज इन चाइना एंड मैं कौन कौन सी एप्लीकेशन से क्या क्या चीज़ अचीव करता हूँ. आई विल ट्राई टू गो थ्रू इट एवरी सिंगल थिंग. सो सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो है अलीपे. नाउ अलीपे इज़ एग्जैक्टली लाइक पेटीएम. इनफैक्ट जो पेटीएम है वो प्रोडक्ट अलीबाबा का है, जो अलीपे की मेन पेरेंट कंपनी है. सो अलीपे के थ्रू मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ. मोस्टली इट इज़ अ गेटवे, पेमेंट गेटवे, बट अगेन आई कैन परचेज अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो अगर मैं नीचे जाऊँ तो यहाँ पर एक एरिया है जहाँ से मैं बहुत सारी चीज़ें परचेज कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल आई कैन लुक फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स. आई डोंट नो व्हाट दैट इज. या एनीवेज आई गॉट अ कूपन. सो कुछ चीज़ें मैंने अभी परचेज करी हैं. सो दैट विल बी इन माय कार्ट. सो अगेन अलीपे इज़ नॉट जस्ट अ गेटवे, इट इज़ अ कंप्लीट पैकेज. सो अगर आप चाइना में हो, अलीपे इज़ वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशंस यू कैन यूज़. द अदर वन इज़ वीचैट. वीचैट के अंदर भी पेमेंट गेटवे है. सो मोस्टली जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो सब या तो अलीपे यूज़ करते हैं या वीचैट पे यूज़ करते हैं. सो मेक श्योर दैट यू हैव एटलीस्ट वन ऑफ देम व्हेन यू आर कमिंग टू चाइना. एंड वन मोर थिंग, लास्ट 7 या 8 महीनों से मैंने कैश निकलवाया ही नहीं है. मेरी हर एक चीज़, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, आई एम कम्प्लीटली यू नो काइंड ऑफ डिपेंडेंट ऑन अलीपे राइट नाउ. आई डोंट कैरी कैश और माई वॉलेट. So again, first application, Alipay, 100%. The second application in this list is Baidu Translate. Now, it works just like Google Translate or any other translation app. Lekin agar aap Baidu Translate mein jaate hain, isme bahut sare alag-alag options hain. For example, same thing, word. Agar aapko koi ek specific word ki photo capture karni hai. Yeah, in fact, you can just type something like, hello, how are you? You can just translate ni hao, ni hao ma. So that is the translation. Hello is ni hao and how are you is ni hao ma. So ma is like a question mark in Chinese. तो इससे मैं mostly लोगों से try करता हूँ, communicate करता हूँ अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए हो. So if I don't know Chinese, एंड अगर वो दूसरी, बिकॉज हमारा एक्सेंट थोड़ा सा डिफरेंट है चाइनीज़ एक्सेंट से, तो अगर मैं उनकी लैंग्वेज बोल भी रहा हूँ तो वो चेंज हो सकती है. सो आई जस्ट यू नो जस्ट टेल देम दैट कैन यू प्लीज़ गिव मी दैट. सो ये करने के बाद आई जस्ट शो दिस थिंग आपके आई थिंक स्क्रीन पे दिख रहा होगा. सो दिस थिंग एंड देन आई जस्ट पॉइंट इट आउट दिस वन एंड दैट्स हाउ आई एम लिविंग हियर. मस्ट हैव एप्लीकेशन इफ यू आर कमिंग हियर. नाउ लेट्स कम टू द थर्ड एप्लीकेशन एंड द एप्लीकेशन इज डीडी. नाउ इन इंडिया इट मीन्स सिस्टर, बट इन चाइना इट मीन्स ब्रदर. थोड़ा सा स्त्रीलिंग पुलिंग का डिफरेंस है यहाँ पर. So Didi is an essential app if you are you know moving here and there. So for example, I use Didi for everything. Whenever I go out, for example, agar mujhe kisi ek restaurant mein jana hai ya pass mein kahin jana hai, office jana hai, so I just book my taxis from Didi application. So isme bahut sare options hain. For example, express taxi logon ki apni private cars hoti hain जो वो ट्राई कर रहे हैं यू नो कुछ अर्न करने का. आई थिंक अब इंडिया में भी ये चीज़ एक सॉर्ट ऑफ पॉपुलर हो गई है, एक्सप्रेस टैक्सीज. नाउ दिस इज़ द रेगुलर टैक्सी जो आपको प्रॉपर बिल देती है. एक्सप्रेस टैक्सी में बस बेनिफिट ये है कि इसका प्राइस थोड़ा सा कम होता है. सो अगर आप चाइना आ रहे हैं, मेक श्योर दैट यू हैव दीदी एप्लीकेशन इंस्टॉल. सो इफ़ यू वॉन्ट टू मूव अराउंड, जस्ट हैव टू टाइप इन द एड्रेस एंड आई थिंक they will take you wherever you know you have selected the address. ye bahut better hai rather than you know telling them the address. So Didi is one of the great application I have been using from last 5 years.
So next application that I use is Explore Shanghai. So Shanghai ke andar ek bahut hi zyada phaila hua ek metro ka network hai. So agar mujhe kahin par bhi jana hota ya main kuch bhi try karta hu kisi jagah jane ka route dekhta hu. So I go to Explore Shanghai and then I plan my trip accordingly. So for example, agar mujhe jana hai Xinjiang, jo ki ek kafi famous Shanghai ka metro station hai, aur mujhe jana hai, let's say Shanghai Pudong or Shanghai Airport, I think. Sorry, Pudong Airport. Yeah, Pudong International Airport. So ye mujhe batayega ki kitna time lagega aur kaun kaun si lines mujhe change karne padenge. So sabse pehle to it will take 99 minutes and it will take 8 yuan. Now 1 yuan is equal to almost 10 rupees roughly. So almost 80 rupees lagenge mere. And Xinjiang yahan par hai. So line 1 se mujhe leni hai because line 1 is red and red line all through this. And then there is a place called People Square. Aur ye hai line 2, green line. So agar aap niche dekhoge to 1 2 3 4 ye sab lines hain, un sab ke colors hain. So line 2 se main change karunga People Square, and then again People Square, People Square, People Square all through this, and again I will reach Pudong International Airport. So that's how I roam around in Shanghai, because bahut sare stations hain yahan par, mujhe nahi pata ki kaun se station pe kaun si train jayegi. Aur ye application English mein available hai. So I think that's a great application to have and a great tool to roam around in Shanghai. The next application in the list is the Metro Card. So bahut sare log, hold on, let me log in. I will log in later actually. So बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कार्ड्स से सफ़र करते हैं. बहुत लोगों के पास अब स्मार्ट डिवाइस हैं जो सिर्फ बारकोड से स्कैन करते हैं. दे जस्ट गो अराउंड एंड गो नेक्स्ट टू द डोर. सो बेसिकली मैं इस एप्लीकेशन को यूज़ करता हूँ जब मेरे पास टाइम नहीं होता टिकट्स को परचेज करने का मेट्रो स्टेशन पे, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं. शंघाई इज़ अ वेरी वेरी पॉपुलेटेड सिटी. So जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो I just use this application, and ये directly connected है Alipay से. So जैसे ही मेरी trip complete होती है, so it just deducts the amount from Alipay. Again, a great application to have in your arsenal. And the last app for today is this app. Now इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी services हैं जैसे *123#, जिसके थ्रू आपको ये पता लग जाता है कि आपके कितना प्राइस अभी बचा है आपके कार्ड में, ऑल दैट सॉर्ट. लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है. यहाँ पर आपको या तो कॉल करना पड़ता है, बट कॉल के थ्रू यू हैव टू गो थ्रू लाइक प्रेस 1, प्रेस 2, प्रेस 3. आई डोंट लाइक दैट. सो हे, दे हैव एन एप्लीकेशन फॉर दैट. सो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ चाइना मोबाइल, एंड चाइना मोबाइल के अंदर मैं ये एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ. सो करेंटली आई हैव 4GB डेटा लेफ्ट for 4G and 575 minutes left. I know this because maine already translate kiya hua pehle, and I have 95 yuan left in my balance, which is again roughly 950 rupees. Or hold on, let me also try to, yeah, 575 minutes left. This is my जनरल फ्लो रिमेनिंग, दैट इज़ अगेन इंटरनेट. सो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो मैं यूज़ करता हूँ चाइना में, जिसके थ्रू मैं यहाँ पर मूव कर सकता हूँ, यहाँ पर रह सकता हूँ. 5 साल में बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए आसान हुई हैं जस्ट बिकॉज आई हैव अ स्मार्टफोन. सो अगेन, दैट इज़ द part 1 ऑफ दिस सीरीज एंड दिस स्पेसिफिक एप्लीकेशन सीरीज. नेक्स्ट सीरीज में मैं कुछ और एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा जो हो सकता है आपके लिए भी हेल्पफुल हो जब आप चाइना आए या चाइना आने के बारे में सोचें. सो अगेन, थैंक यू अगेन फॉर ट्यूनिंग इन, एंड जस्ट लाइक ऑलवेज, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.